हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोस्टेज में। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है रियलमी नार्जो 20 फ़ोन। इस फ़ोन का दोस्तों आज टॉप 10 फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये फ़ोन बाय करना है तो ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आपको न्यू आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले फीचर की बात करें तो सेटिंग के अंदर है, तो यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लेते हैं। और सेटिंग ओपन करते ही दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड के नीचे आपको दोस्तों कन्वेंस टूल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे दोस्तों टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन करके, तो इसे दोस्तों सिंपली टैप कर लेना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर। तो जब भी आपका फ़ोन ऑफ रहेगा या फिर मतलब स्क्रीन लॉक रहेगा, तो आपको जो शॉर्टकट चाहिए यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इसे आपको सिंपली टैप करना है। यहां पे आप देख सकते हैं डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। आप अगर इसे ऑन कर देते हैं तो यहां पे देखिए ये हमारा स्क्रीन लॉक है, और डबल टैप कीजिएगा तो इस तरीके से स्क्रीन ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है ड्रॉ अ ओ एनेबल टू कैमरा। ओके, तो इसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये आपका स्क्रीन लॉक रहेगा। ओ इस तरीके से ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ड्रॉ अ वी टू फ्लैश लाइट ऑन। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑन कर देना है, और आप अगर ये स्क्रीन को लॉक किए ओके इस तरीके से वी ड्रॉ कीजिएगा, और यहाँ पे आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर इसे इनेबल कर देते हैं तो आप लॉक स्क्रीन पे भी म्यूज़िक को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं दोस्तों आपको अगर अपने हिसाब से शॉर्टकट ऐड करना है तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर। तो यहाँ पे आपको सिंपली टैप कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिसे दोस्तों आप टैप करके यहाँ पे आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्या ओपन होगा क्या नहीं होगा, यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेज में आपको यही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप अगर बैक करते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है गेस्चर एंड मोशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट को लेके, इसे आप अगर ऑन कर देते हैं तो थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट इनेबल हो जाएगा। थ्री फिंगर इस तरीके से लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन शॉट हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि मार्क करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप मार्क वगैरह करके सेंड कर सकते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पे एडिट वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए राइज टू वेक करके एक ऑप्शन मिल जाता है, ये अगर आपका ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए टेबल पे इस तरीके से फ़ोन पड़ा रहेगा, ओके आप जब भी हाथ में लीजिएगा ये ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगा, तो ये ऑप्शन है ओके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो एयर पिकअप कॉल, इसे आप अगर ऑन करते हैं तो जब भी आपका कॉल आता है आप कान के सामने लेके जाइएगा, फ़ोन ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑटो स्विच टू एयर रिसीवर, तो इसमें दोस्तों ये होगा कि आपका अगर कोई फ़ोन कॉल आया हुआ रहता है आप डायरेक्टली उठा के कान के पास ले जाइएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉल बैक हो जाएगा जो भी कॉल आया हुआ था या फिर रिसीव किया हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, तो इसे आप अगर ऑन कर देते हैं तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है इस तरीके से आप रख दीजिएगा, कोई भी कॉल आएगा कुछ भी मैसेज आएगा आपका दोस्तों यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फ़ोन म्यूट हो जाएगा ओके। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, जब भी आप फेस लॉक ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लॉक ओपन होके हमारा स्क्रीन पे इस तरीके से रह जाता है। इस तरीके से स्क्रीन को स्वाइप अप करना पड़ता है तब जाके हमारा ये होम पेज में आता है। तो ये ऑप्शन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासवर्ड करके एक ऑप्शन मिल जाएगा ओके, इस पर टैप करना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पर फेस लॉक में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर फेस लॉक है ओके, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो पैटर्न है यहाँ पर डाल देना है ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन अनलॉक करके एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटो अनलॉक कर देना है। ऑटो अनलॉक करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका वो जो पेज आ रहा था बार बार स्वाइप अप करना पड़ता था वो नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका डायरेक्टली होम पेज में आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे असिस्टेड बॉल लेके है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पे सर्कल करके है, इसे टैप करने का दोस्तों यहाँ पे बैक बटन, स्क्रीन शॉट, होम बटन, रिसेंट बटन, और इसी के साथ दोस्तों लॉक करना है स्क्रीन को, सिंपली इसे टैप कीजिए लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे एनेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ पे आपको कन्वीनियंस टूल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा असिस्टिव बॉल करके ओके, तो इसे टैप करके यहाँ पे आपका अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, आप ऑन करके यहाँ पे
आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको क्या डालना है उस बॉल के अंदर, जिससे आप शॉर्टकट वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और एसिस्टिव बॉल के ऊपर में दोस्तों यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन देखने को मिल जाएगा, इसे आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपका जो बटन है ना इसे आप चेंज कर सकते हैं, आपको लेफ्ट टू राइट करना है या फिर राइट टू लेफ्ट, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको अगर फुल स्क्रीन मोड चाहिए तो यहाँ पे देखिए स्वाइप गेस्टर फ्रॉम बोथ साइड करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसे सिंपली टिक कर देना है। टिक करने का दोस्तों ये आपका फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा, बैक करना है सिंपली इस तरीके से बैक कर सकते हैं। और आपको अगर होम पेज में जाना है इस तरीके से स्क्रॉल अप कीजिए, ये होम पेज में चल जाएगा। आपको रिसेंट बार ओपन करना है इस तरीके से स्क्रॉल अप करके, इस तरीके से स्क्रॉल अप करके यहाँ पे होल्ड कीजिए, ये देखिए रिसेंट बार ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये फंक्शन यूज में ले सकते हैं। उसके अगले फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डाउन में मिल जाएगा क्विक रिटर्न बबल का, तो फ्रेंड्स आपको इसे टैप करके ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों ये होगा कि आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सेट करते हैं या फिर आपका कोई मैसेज या फिर कोई मैसेंजर से मैसेज आता है वो बबल की तरह शो होगा, जैसे मैसेंजर पहले आता था ना कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप डायरेक्टली टैप करके उसे रिप्लाई कर सकते हैं। और अगला फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्मार्ट स्लाइड बार करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे दोस्तों आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप देख सकते स्वाइप लेफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आप अपने हिसाब से शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन शॉट लेना है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है या फिर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो पसंद नहीं है उसे हटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स इस फोन में आपको ऐप लॉक देखने को मिलता है, इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट एंड फेस पासवर्ड का, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखिएगा यहाँ पे थ्री ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला ऑप्शन है ऐप लॉक, तो इसे आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पे सेट पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ओके सेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली टिक करना है जिस पे भी आपको यहाँ पे लॉक लगाना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर पे लॉक लगा देता हूँ। ओके ये देखिए टिक हो गया है, लॉक लॉक पे क्लिक करना है। ओके तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जैसे कि फाइल मैनेजर है इसे जब भी मैं ऑन करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लेता है। ओके और उसके बाद फ्रेंड्स इसे अगर मिनिमाइज कर देते हैं फिर ओपन करते हैं तो ये देखिए डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो इसे हटाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा फिर से। तो सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे ऐप लॉक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको टैप करना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे देखिए इंटर पासवर्ड देना है। ओके तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ओके पासवर्ड देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको नो वेरिफिकेशन अनटिल स्क्रीन ऑफ है, इसे आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने का दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जब भी आप ये फाइल मैनेजर ओपन कीजिएगा तब पासवर्ड मांगेगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आप इसे यूज़ कीजिएगा। आप अगर इसे भूल जाते हैं तो फ्रेंड्स आपका सेक्रेटरी ब्रेक हो सकता है। ये देखिए जितना बार भी मैं ओपन करूंगा यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। ओके और दोस्तों यहाँ पे आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना है तो यहाँ पे भी दोस्तों एक कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा एप्लीकेशन है। ओके तो ये देखिए कॉन्टैक्ट को हाइड कर देना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको टैप करना है, हाइड होम स्क्रीन आइकन है तो इसे दोस्तों सिंपली आपको ऑन कर देना है। ऑन करने का दोस्तों यहाँ पे सेट एक्सेस नंबर करके ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले आपको हच लगाना पड़ेगा, फिर कोई भी 4 डिजिट दीजिए, उसके बाद फिर हच लगाइएगा, ये आपका कोड रह जाएगा। ओके ये कोड जब भी आप टाइलिंग पैड में दीजिएगा आपका डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा या फिर आप जो भी ऐप्स को हाइड किए हैं वो ओपन हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्टार यहाँ पे 1414 हज। ओके तो यहाँ पे देखिए स्टार 1414 हज दे दिया मैं। ओके डन करता हूँ, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ये डन करना है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कॉन्टैक्ट था वो यहाँ से गायब हो चुका है पूरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कहीं पे भी कॉन्टैक्ट नहीं है। ओके तो यहाँ पे अभी वो आएगा कैसे, यहाँ पे आपको सिंपली डायलिंग पैड ओपन करना है। डायलिंग पैड में दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है वही कोड। ओके तो यहाँ पे मैं डाला था हच 1414 हच, तो ये देखिए फ्रेंड्स डायल करते ही यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ चुका है जो कि कॉन्टैक्ट था जो हाइड किया था मैं एप्लीकेशन, कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए प्राइवेट सेव करके भी ऑप्शन आ जाता है, सिंपली इस पे टैप करना है और आपको लगे कि मतलब कोई भी चीज़ आपको हाइड करना है तो यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं और कुछ भी दोस्तों यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है और ये हिडन फीचर्स है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये फीचर्स आपको बेस्ट लगा होगा।
नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फोन में भी आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई भी झमेला नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डार्क मोड है, डार्क मोड इसे आपको ऑन कर लेना है। ओके, ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन पूरा डार्क मोड हो चुका है। ओके, और जितना भी जो लिखा हुआ था वो आपका वाइट वाइट दिखने लगेगा और पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है। ओके, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डार्क मोड पे क्लिक करना है और ये देखिए सनसेट टू सनशाइन है। यहाँ पे दोस्तों आप अगर इसे ऑन कर देते हैं, जैसे ही शाम होगा ऑटोमेटिकली ये डार्क मोड हो जाएगा और सुबह होते ही ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ओके, तो इसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए शेड्यूल टाइम भी लगा सकते हैं, कब ऑफ होगा कब ऑन होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल के अंदर देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक पेंसिल का तरह देखने को मिल जाएगा आइकन, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ज़रूरत नहीं है उसे हटा सकते हैं और जो ज़रूरत है उसे आप ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए वन टैप लॉक स्क्रीन है, इसे मुझे ज़रूरत है। ओके, तो इस तरीके से स्क्रॉल आप कीजिए और यहाँ पे तीन नंबर में मैं दे दिया। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन का जो पोजिशन है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का दोस्तों यहाँ पर बैक करते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए जो सारा चीज़ चेंज किए थे वो अपने जगह आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखिए थर्ड पे जो लगाया था वन टैप लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पे आ चुका है। सिंपल इसे टैप करते हैं, ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फोन में आपको सुपर सेविंग मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब दोस्तों आपका बैटरी ड्रेन होने लगता है या फिर कम चार्ज रहता है तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका बैटरी काफ़ी सेफ हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेंसिल वाले आइकन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सुपर पावर सेविंग मोड, इसे सिंपली आपको टैप करके ऊपर कर देना है। ओके, ऊपर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जब भी डाउन कीजिएगा ये ऊपर ही रहेगा। आपको अगर लगता है कि मेरा बैटरी ड्रेन हो रहा है या फिर बैटरी बचाना है जिस वक्त, इसे आप सिंपली टैप कर दीजिए। और टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सुपर सेविंग मोड में चला गया है और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। सिंपली कॉल और ये मैसेज कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ पे सारा एप्लीकेशन बंद हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ब्राइटनेस भी एकदम कम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इससे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, यहाँ पर आपको देखिए ऊपर में एक एरो करके एक ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली इसे आपको टैप कर देना है। टैप करने का दोस्तों यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड, तो इसे आप टैप कीजिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप नॉर्मल मोड में चले आइएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फ़ोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आप गेम खेलते हैं या फिर कोई भी चीज़ आपको रिकॉर्ड करना है तो ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर जाते हैं और सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड है, वीडियो रेजोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, हाई में चाहिए, मीडियम चाहिए या फिर लो चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारा कस्टमाइज मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों, ये फोन आपको अगर बाय करना है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।